वाल्मीकि समाज के महिला पुरुषों ने देश में इंदौर शहर को सफाई में 3 बार नंबर 1 का तबका दिया, किंतु समाज के गरीब तबके के लोगों की आज भी उपेक्षा की जा रही है। इंदौर की छावनी क्षेत्र स्थित कार्यालय में बोले वाल्मीकि समाज के नेता सतीश पवार, इंदौर शहर में सफाई मित्रों यानी कि वाल्मीकि समाज के लोगों द्वारा दिन रात मेहनत कर शहर को साफ और स्वच्छ रखा जा रहा है। वहीं कोरोना काल में भी अपनी जान हथेली पर लेकर वाल्मीकि समाज की महिलाएं और पुरुष वर्ग लगातार शहर को स्वच्छता में नंबर 1 बनाए हुए हैं, किंतु फिर भी समाज के इस तबके को आज तक किसी बड़े संगठन या सरकारी तौर पर सम्मान नहीं दिया गया है। यह कहना है कि अनुसूचित विभाग नगर अध्यक्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंच के सतीश पवार का। श्री पवार ने मीडिया के सामने अपनी पीड़ा जाहिर करते हुए कहा कि वाल्मीकि समाज के लोगों की उपेक्षा की जा रही है। इंदौर से ब्यूरो राकेश सचर के साथ सतीश शर्मा की रिपोर्ट। मैं जो हमारी वाल्मीकि समाज है, वाल्मीकि समाज की जो महिलाओं ने इंदौर को नंबर 1 खिताब दिलाया और कोरोना में भी महिलाएं पुरुष हमारे बुजुर्ग कई लोगों ने मेहनत की और कई लोगों ने अपना जीवन बलिदान भी किया इस कोरोना महामारी में, ऐसे लोगों के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश के, इन दोनों से मैं विशेष आग्रह करता हूँ कि हमारे समाज की जो भी गरीब महिलाएं हैं, गरीब लोग हैं, उनको तवज्जो दी जाए, उनका मान सम्मान किया जाए और उनको इनाम दिया जाए, ना कि किसी उच्च व्यक्ति को, ना कि किसी उच्च अधिकारी को दिया जाए, क्योंकि इसका श्रेय जाता है वाल्मीकि समाज को ही है। और वाल्मीकि समाज ही एक ऐसी समाज है जो पूरे शहर को, पूरे भारत को स्वच्छ रखती है, उसके बावजूद वाल्मीकि समाज को इस चीज से क्यों दूर रखा जाता है। कोरोना का संकट चल रहा है और कोरोना संकट में भी सफाई मित्रों ने लगातार सेवाएं दी है, क्या अभी भी उनकी उपेक्षा की जा रही है कि सरकार? अभी भी उनकी उपेक्षा की जा रही है। कई जगह, कई प्रांतों में सम्मान किया गया वाल्मीकि समाज का, लेकिन इंदौर में अभी तक भी किसी भी उच्च व्यक्ति या उच्च अधिकारी या किसी प्रधानमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी सहायता कोष से किसी भी प्रकार का उनका कोई मान सम्मान नहीं किया गया, जबकि हमारी माता बहनें, कुछ माता बहनें ऐसी भी हैं जिनके 2-2 महीने, 5-5 महीने के बच्चे हैं, 2-2 साल के बच्चे हैं, उनको भी वो अपना कार्य करके आती हैं, उसके बावजूद अपने बच्चों को संभालती हैं, तो कुल मिला के अपने बच्चों को भी दाव पे लगा रही है वो और पूरे शहर को सफाई दे रही है। कई सफाई मित्रों की कोरोना संकट के चलते जाने भी गई होगी और कई संक्रमित भी हुए होंगे। संक्रमित भी हुए, जाने भी गई है, उसके बावजूद कुछ ही इक्का दुक्का लोगों को शासन द्वारा सहायता मिली है, बाकी किसी को भी कोई ऐसी कोई सहायता नहीं दी गई है। आप बता सकते हैं कितने सफाई मित्र लगभग इंदौर शहर में काम कर रहे हैं जिनको अभी सहायता नहीं मिली होगी? लगभग कई ऐसे सफाई मित्र है जो लगभग क्या पूरे अभी तक तो किसी को भी कोई सहायता नहीं दी गई, जबकि ऐसे लोगों को तनख्वाह भी बढ़ना चाहिए, उन लोगों को शासन द्वारा इनाम नहीं दे, आप पुरस्कार ना दे, उनको वेतन बढ़ा के दीजिए। मेरा परिचय सतीश पवार, अनुसूचित जाति विभाग से नगर अध्यक्ष, पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंच। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।